स्कूल कॉलेज की लापरवाही कभी कभी जान पर बनाती है। कुछ ऐसा ही हुआ आज शहर के दुर्गा नगर गली नंबर 8 स्थित कस्तूरबा इंटर कॉलेज में, जहां कक्षा 8 में ऊपर चल रहा पंखा अचानक टूटकर गिरा, जिससे कक्षा में बैठी 3 छात्राएं घायल हो गईं। बच्चियों को आनन फानन में उपचार के लिए ट्रामा सेंटर लाया गया और परिजनों को भी अवगत कराया गया। छात्राओं में 13 वर्षीय संजना पुत्री धर्मेंद्र कुमार, 15 वर्षीय डॉली पुत्री मनोज कुमार, 15 वर्षीय खुशबू पुत्री राम प्रकाश है। अभिभावकों ने कॉलेज की लापरवाही जताई, फिलहाल बच्चियों को ट्रीटमेंट कर घर भेज दिया। देखिए हमारे संवाददाता राजा यादव की ये रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? डॉली। कौन से स्कूल में पढ़ती है? कस्तूरबा इंटर कॉलेज। ये क्या हुआ था हादसा आपके साथ? पंखा गिर गया। पंखा? किस क्लास में पढ़ रही हैं? तो पंखा पहले से भी हिलता उलता, कैसा पंखा लगता था वो गिर जाएगा? वो लोग आए पुराना पंखा। तो कितने बच्चे उसमें घायल हुए हैं, किस किस के चोट आई है? तीन बच्चे। कौन कौन? संजना, डॉली, नाम मनोज कुमार है। जो एक आपकी बच्ची के साथ जो हादसा हुआ, क्या है पूरा मामला? मामला जो है ऊपर से पंखा गिरा तो मेरा वो बच्ची की झमका आगे की गुर्जे वाली पूरी बता फट गई है पूरी आँख। तो इनने बता ट्रीटमेंट करा के सीधा घर पर भेज दिया। जल्दी करा के घर पर भेज दिया है। बता पूरी बता पंखे तो बता जो बता आँख पूरी बता फट रही है। किस तरीके से हादसा हुआ था, किसकी लापरवाही लग रही है आपको? मुझे तो कॉलेज की दिख रही है लापरवाही। तो भाई पंखे भाई खराब है तो कॉलेज की है। क्या नाम है बेटी का आपका? डॉली। डॉली किस क्लास में पढ़ती है? आठ में। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? विजय नगर पानी की टंकी के पास, नगला भरी चौराहा है। ये दो बच्चों के ऊपर पंखा गिरा है, कौन है आपके? ये एक मेरी बेटी, एक मेरी बड़ी भाई की बेटी है। क्या मामला है पूरा? पूरा मामला ये है कि बच्चे स्कूल गया था और जब मैं अपने गोदाम में था, जब मेरे पास फोन आया कि आपकी बच्चों के ऊपर ऐसे ऐसे बात पंखा गिर गया है, तो मैं तुरंत पहले स्कूल पहुंचा और स्कूल में जाकर मुझे ये बताया गया सीधे ट्रामा सेंटर। हमारा स्कूल का मामला है कस्तूरबा इंटर कॉलेज का, और मुझे सीधा फिर मैं ट्रामा सेंटर आया तो मैंने देखा बच्चों की हालत ज़्यादा ना थी, और हालांकि उन्होंने उसके बारे में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अब चल रहा है मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर कोई स्कूल का कोई स्टाफ है? यहाँ पर स्टाफ है पूरा, भर्ती वगैरह कराया है। कुल कितने बच्चों के चोटें आई है? तीन बच्चों के चोटें आई। तो इसमें किसकी लापरवाही लग रही है आपको अगर इस तरीके की हालत हो तो? मुझे तो न्याय चाहिए कि कॉलेज आने क्योंकि कॉलेज का वो जब आपको दिखाना चाहिए था उसका पाइप टूटा हुआ है, कॉलेज का पंखे का पाइप टूटा है, या तो बोल्ट निकल जाता है उसका, तो चलो एक बार बोल्ट टूट गया लेकिन उसका पाइप टूटा है। उसका ये होता है कि पहले से वो कुछ ना कुछ स्कूल का जो स्टाफ आया था, क्या डॉक्टरों से मुलाकात हुई थी उनकी? हाँ, स्कूल के स्टाफ ने ही बच्चों को यहाँ एडमिट कराया है, हालांकि वो देख रहे हैं।